हिमाचल ने बहुत अच्छी इसमें तरक्की की है और कन्या भ्रूण हत्या के मामले में 2014 में जो स्थिति थी उसमें उभर कर हम बहुत अच्छी स्थिति में आए हैं। हमारे 1000 के पीछे 950 गर्ल्स का रेशियो है और देश में हम तीसरे स्थान पर है। इसलिए ये कार्यशाला जो जिसका 2 दिन तक आयोजन किया जाएगा, मैं इसके लिए हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि कन्या भ्रूण हत्या को लेकर इस प्रकार की कार्यशाला की आयोजन किया गया है। सर, आपने एक बड़ी बात कही है कि एक बच्ची पैदा होने पर 2 लाख रुपए देगी सरकार, क्या है सर योजना? नहीं, अब जो मैं आज मैंने जो घोषणा की है कि एक अगर किसी के परिवार में सिर्फ एक बेटी पैदा होती है उसमें पहले इंसेंटिव 35,000 रुपये था। हमने कहा कि अगर एक बेटी पैदा होती है तो उसको 2 लाख रुपया मिलेगा और दूसरी बेटी जब पैदा होती है तो उनके परिवार को 1 लाख रुपया मिलेगा। 2 बेटियों पर 1 लाख, 1 बेटी पर 2 लाख रुपया मिलेगा जिसके सिर्फ सिंगल बेटी होगी। तो मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि जो और भी कुछ जगह कहीं, वैसे हिमाचल प्रदेश में बहुत कम है, पर कुछ जगह अगर ये होगा तो इंसेंटिव के तौर पर आज के बाद जब नोटिफिकेशन होगी उसके बाद कोई भी बेटी पैदा होगी और एक ही बेटी होगी वो दो पिछले लोगों के लिए नहीं, अगले लोगों के लिए, उनको 2 लाख रुपए की इंसेंटिव दे रहे हैं। हेल्थ सेक्टर के स्ट्रेंथनिंग के लिए भी आपने बात कही है कि हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन किया जाएगा। हेल्थ सेक्टर में हम पूरी तरह व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, दिन रात मीटिंगों का दौर चल रहा है। आप सब लोगों का भी हेल्थ कार्ड बन रहा है, आपके आधार से हमने अभी तक डाटा इकट्ठा कर लिया है, लिंक कर लिया है। 40 लाख के करीब हमारे हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों में से सब लोगों का हमने आधार के आधार पर आभा के द्वारा डाटा इकट्ठा कर लिया है। एक क्लिक के द्वारा आपका पूरा हेल्थ का रिकॉर्ड आ जाएगा। हमारी सरकार ने ये भी व्यवस्था परिवर्तन किया और हाई एंड टेक्नोलॉजी की हम तरफ जा रहे हैं। सर, वर्ल्ड जमीन महिलाओं को जमीन का हक और मैरिज लड़कियों की होती है सर, उसमें भी आपने कहा कि एज बढ़ाने पर हम विचार करते हैं। नहीं, वो सब चीज़ें कानून के दायरे में ट्रैवल महिलाओं को की जमीन का हक की जो बात है उस बारे में सरकार विचार रखती है और जो लड़कियों की 18 से 21 साल की एज करने की बात है उसमें हम ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से लड़कियाँ 21 साल के बाद शादी करें, इंसेंटिव्स दे, कानून में बदलाव करें या किसी और तरीके से उन्हें जागरूकता के द्वारा करें, तो ये सब स्थितियों पर हम बातचीत कर रहे हैं। अभी जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द न्यूज़ रडार।